हेलो एवरीवन, माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल विकास की एक नई क्लास, जिसमें हम बहुत ही आसान तरीके से बाल विकास पढ़ लेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं बाल विकास की अवधारणा। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास किसे कहते हैं? बाल विकास में बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। और बाल विकास में जो अध्ययन किया जाता है वह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, जो बाल विकास है उसमें कहाँ तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। जो गर्भावस्था होती है इसको जन्मपूर्व अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इसको किस अवस्था से जाना जाता है? जन्मपूर्व अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और जो किशोरावस्था होती है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। जो बाल विकास सब्जेक्ट है ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहले जो मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है ये दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था। किससे किया गया था? दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट है, उससे अलग किया गया था मनोविज्ञान। और फिर मनोविज्ञान से ही एक शाखा निकली जिसका नाम था बाल विकास। जो दर्शन शास्त्र के जनक हैं वो अरस्तु कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बाल विकास में जो सब्जेक्ट आया है बाल विकास, इसको सबसे पहले दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था? जेम्स विलियम ने किया था। यानी जो दर्शन शास्त्र, जो अरस्तु का जो सब्जेक्ट था, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया था? जेम्स विलियम ने। फिर मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास। क्या है? बाल विकास। बाल विकास के जो जनक कहे जाते हैं, बाल विकास के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन हैं? बाल विकास के जनक स्टैनली हॉल। कौन है? स्टैनली हॉल। ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। बाल विकास के जनक किसे कहते हैं? स्टैनली हॉल। और जो स्टैनली हॉल हैं, इन्होंने किशोरावस्था के बारे में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला था कि जो किशोरावस्था होती है ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, इसलिए इसको भी याद रखना। किसने कहा था कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है? तो ये भी किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने बोला था। अब आगे देखा जाए तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, यानी जो सबसे पहले बाल विकास के बारे में बताया था वो किसने बताया था? जॉन लॉक ने। किसने बताया था? जॉन लॉक ने। और बाल विकास का जो विस्तृत अध्ययन किया था, यानी पूरी तरह गहराई से जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का विस्तृत अध्ययन किया था। किसने? पेस्टोलॉजी ने। और इन्होंने जो अध्ययन किया था अपने 3.5 साल के बेटे पर किया था। जो पेस्टोलॉजी है, इन्होंने जो बाल विकास का विस्तृत अध्ययन किया था अपने ही 3.5 साल के बेटे पर इन्होंने यह अध्ययन किया था। और किस तरीके से किया था? मनोवैज्ञानिक तरीके से। यानी उन्होंने ये देखा कि बालकों में जो विकास होता है, यानी मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, इन सब की
जानकारी हमें किसने दी? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने हमें बताया। फिर बाद में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके एक जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी। फिर बाद में टाइडमैन मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने भी पेस्टोलॉजी के देखा देखी अपने ही बालक पर अध्ययन करके, इन्होंने किस तरीके से अध्ययन किया था, शारीरिक एवं मानसिक विकास किस तरह होता है बच्चों में, ये बताया इन्होंने। क्या बताया इन्होंने? बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह होता है, किसने बताया? टाइडमैन ने। बाल विकास आंदोलन के जनक जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? स्टैनली हॉल। और याद रखना ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे स्टैनली हॉल। बाल विकास आंदोलन यानी सबसे पहले बालों के विकास के बारे में जो बताया वो स्टैनली हॉल ने बताया, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई, और कब से हुई? 1893 में हुई। भारत में जो बाल विकास अध्ययन स्टार्ट हुआ ये 1930 में कोलकाता से शुरू हुआ। याद रखना अगर है ना भारत की पूछी जाए तो 1930 में, और कहाँ से? कोलकाता। और अगर विश्व की बात की जाए तो वो अमेरिका से स्टार्ट हुआ, और कौन सी ईयर में? 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत। फिर बाल सुधार अपराध गृह। ये बाल सुधार अपराध गृह क्या होती हैं? ये ऐसे बालकों के लिए बनाए जाते हैं जिन्होंने कोई अपराध किया हो, और अपराध मानो ने सही से है ना वातावरण नहीं मिल पाया हो, सही माहौल नहीं मिल पाया हो, जिससे वो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ऐसे बालकों को सुधारने के लिए किसकी स्थापना की गई? बाल सुधार अपराध गृह, यहाँ पर रखकर बालकों को सुधारा जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से हुई। कौन सी ईयर में? 1857। अब हम पढ़ते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी जो बालक के विकास में अवरुद्ध होते हैं? तो यहाँ पर कुछ मुख्य कारण हम बताते हैं। सबसे पहले वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का बालकों के विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये जो वंशानुक्रम है ये है ना माता पिता से जो बालकों में जो गुण आते हैं उनको बोलते हैं वंशानुक्रम। माता पिता या पूर्वजों से जो गुण बच्चों को प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम होती हैं। जैसे देखा होगा किसी के मम्मी पापा की हाइट अगर अच्छी है तो उनके बच्चों की भी अच्छी होती है। ये सब किसके कारण होता है? जीन, जिनको क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोला जाता है। दूसरा होता है वातावरण। वातावरण का भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है बालकों के विकास पर, और अगर वातावरण अच्छा नहीं हुआ तो बालक का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। जैसे अगर शुद्ध हवा नहीं मिल पाई या पीने योग्य जो शुद्ध पानी होता है वो नहीं मिल पाया,
यानी जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो वहाँ के बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उनका विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता। ये तो अपन ने बाह्य वातावरण की बात की, कुछ आंतरिक वातावरण भी होते हैं, जैसे परिवार का माहौल सही नहीं हो पाया या आस पड़ोस रिश्तेदार का माहौल सही नहीं मिल पाया, तो उससे भी बच्चों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। अब तीसरा कारक देखते हैं हम, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का भी बालक के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर किसी गरीब परिवार के बच्चों को देखा जाए जहाँ पर है ना उन्हें पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाया, तो उससे भी उनके विकास में थोड़ी रुकावट होती है, क्योंकि पोषण युक्त भोजन सभी बालकों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पोषण युक्त भोजन जैसे जिसमें ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन विटामिन खनिज लवण ये नहीं होंगे, तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है और उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए आर्थिक स्थिति का भी बालक के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं हम शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का भी बालक के विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी बालक का शारीरिक विकास ठीक नहीं है, यानी उसे कोई सी भयंकर बीमारी है, रोग है, तो वो आगे उसका विकास होना थोड़ा कठिन होता है। पांचवा हम पढ़ते हैं समाज। समाज का भी बालक के विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर समाज का रवैया बालक के प्रति अच्छा नहीं है, तो उसका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, या उसे समाज के तौर तरीके या उसे सही से माहौल नहीं मिल पा रहा समाज का, तो उससे उसका विकास कैसा होता है, अवरुद्ध। यानी समाज अगर अच्छा है उसके आसपास का, तो उसे विकास बालक का सही तरीके से हो सकता है। हम पढ़ते हैं अभिवृद्धि और विकास, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अभिवृद्धि और विकास दोनों वैसे देखने में सेम लगते हैं, यानी इनका मीन्स सेम लगता है। अभिवृद्धि यानी बढ़ना, विकास भी अपन समझते हैं बढ़ना, लेकिन इनमें भी कुछ डिफरेंस है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। अभिवृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं, वृद्धि। तो वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही है। सबसे पहले अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है ये वह होता है, मतलब इस पॉइंट का कि जो अभिवृद्धि होती है इसको हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जैसे बालक किस तरह बढ़ता है, उसके भार में कितना परिवर्तन आया, ये सब क्या है, वह स्वरूप। लेकिन जो विकास होता है यह इसका आंतरिक स्वरूप होता है, यानी इसको हम देख नहीं सकते। अभिवृद्धि को तो हम देख सकते हैं, जैसे किसी बालक की हाइट बढ़ रही है या उसका है ना वेट बढ़ रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम विकास को नहीं देख सकते। अभिवृद्धि यानी देख कैसे देख सकते हैं, जैसे नाप कर देख सकते हैं हाइट कितनी बड़ी है, ये वजन कितना बड़ा है, तो हम वजन मशीन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मात्रात्मक है। अभिवृद्धि कैसी है, मात्रात्मक, और विकास कैसा है, गुणात्मक, यानी विकास गुणों पर आधारित होता है। कैसे गुणों पर आधारित होता है, जैसे किसी बालक की हड्डियां तो लंबी हो गई, तो लंबा होना हड्डियों का क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगा, और हड्डियां कितनी मजबूत हैं ये क्या कहलाएगा, विकास। तो गुण पर आधारित, हड्डी कैसी है, मजबूत, मजबूत क्या है, गुण, तो ये क्या है, गुणात्मक। विकास कैसा है, गुणात्मक। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जो वृद्धि होती है शरीर की बालकों के बालिकाओं की, एक कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, ज़्यादातर किशोरावस्था तक बालकों का पूरा विकास हो जाता है शारीरिक विकास, इसके बाद अभिवृद्धि क्या हो जाती, रुक जाती है। जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत होता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक
विकास होता रहता है। अभिवृद्धि को देखा जाए तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले हड्डियाँ ही लंबी हों, तो शरीर के और कोई सी भी अंग पहले विकसित हो सकती हैं, लेकिन अगर विकास देखा जाए तो इसकी एक निश्चित दिशा होती है। विकास सबसे पहले किसका विकास होता है? सिर का, फिर पैर, फिर और अंगों का। तो विकास की निश्चित दिशा होती है, इसमें विकास जो होता है सिर से लेकर कहाँ तक होता है? पैर तक होता है। इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है। किसका प्रयोग? अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है। संकुचित अर्थ मतलब यानी जो अभिवृद्धि होती है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी विकास का होना भी इसमें जरूरी है। जरूरी नहीं है कि शरीर लंबा हो गया तो है ना उसका बच्चे का पूरी तरह विकास हो गया। उसमें किसका होना जरूरी है? विकास के गुणात्मक लक्षणों का होना जरूरी है। और जो विकास होता है व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी अगर विकास कब कहा जाएगा? जब अभिवृद्धि भी हो जाए और गुणात्मक गुणों का भी विकास हो जाए, तब उसको बोलेंगे कि विकास पूरी तरह हो गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, बाय।